अब क्या कहा जाए, चंपईदा ने यह तय किया है, लेकिन विगत चुनाव में मैं 2-3 मीटिंग में उनके साथ था, और जो उनका तेवर था भाजपा की नीतियों के लिए, नियत के लिए, अब कैसे सब पर डिलीट बटन दबा देंगे? इतना आसान तो होता नहीं है। पब्लिक मेमोरी में सारी चीज़ें रहती हैं। उन्होंने विधानसभा में संभवतः कहा था कि मैं हेमंत सोरेन पार्ट 2 हूँ, और खैर मैं उसमें, वो उनका विवेक है, उन्होंने निर्णय लिया है। लेकिन अभी झारखंड के अंदर एक चर्निंग हो रही है, खास करके हमारे आदिवासी समाज में एक आक्रोश है केंद्र की नीतियों के लिए, उनके रवैये के लिए। अब चंपई जी ने इसके बावजूद अगर ये निर्णय लिया है, तो मैं तो एक बात सदन में भी बोल चुका हूँ, उसी का दम है इस जमाने में, जो इधर का दिखता रहे उधर का हो जाए, ऐसी एक श्रृंखला सी चल पड़ी। लेकिन सर, कुछ महीनों में ही झारखंड में भी रहे हैं, और चंपई सोरेन अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो कि आदिवासी बहुल इलाकों में जमीन तलाश रही है, जमीन मजबूत करने की कोशिश है, क्या वहां पर असर नहीं? मैं तो ये पूछूंगा कि बाबूलाल मरांडी इसको कैसे देख रहे हैं, अर्जुन मुंडा कैसे देख रहे हैं इसको, ये सब उनके नेता थे ना। बाबूलाल जी तो थोड़ा इधर भी रहे फिर उधर गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये विवेक लोगों का होगा कि वो क्या तय करते हैं। वो हेमंत विश्व शर्मा जी या मैं या कोई और ये तय नहीं करेगा, झारखंड की आवाम तय करेगी। सर, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए हो गई है, कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल, उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की आत्मा को डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ की रिवायत, यहाँ का जो संस्कृति है, सबको डिस्ट्रॉय। देखिए, मैं अगर लंबा कैनवास ना भी देखूं, तो बीते 2-3 दिनों में जिस प्रकार बीजेपी के मंत्री, पूर्व मंत्री, मंत्री बनने की चाहत रखने वाले भूतपूर्व मंत्री, सांसद, जिन्हें कई दिनों से टेलीविजन पर नहीं देख रहे थे, सबके सब आ गए कि कैसे समझौता हुआ, ये मैनिफेस्टो वो है। मैंने 2-3 सवाल पूछे कि वाजपेयी जी ने क्या कहा था कश्मीर में, चलिए उसको भी छोड़ दीजिए। वाजपेयी जी के साथ जब उमर अब्दुल्ला या फारूक साहब आए और मिनिस्टर हुए, तो उस वक्त उनका मैनिफेस्टो क्या था, और चलिए वो भी पुरानी बात। ये जो नई वाली बीजेपी है, जब आप पीडीपी के साथ गए, तो उनका मैनिफेस्टो क्या था। तो मैं समझता हूँ समग्रता में बात होनी चाहिए। बीजेपी परेशान है, जम्मू संभाग में भी बहुत बड़ा झटका लगने वाला है बीजेपी को, और शायद ये जो टॉप के लीडर्स हैं ना, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको ये एहसास होगा कि कश्मीर के सभी इलाकों में अभी लोगों को हीलिंग चाहिए, आप हीलिंग देने में फेल कर गए हो। कश्मीर नीड्स हीलिंग, जम्मू नीड्स हीलिंग। सर, भारतीय जनता पार्टी से अभी चुन करके आई हैं कंगना रनौत, उन्होंने फार्मर्स मूवमेंट को लेकर के एक बयान दिया, जिसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया। पार्टी ने कंगना को हिदायत दिया और उस बयान से किनारा कर लिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये कंगना का बयान नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का ही बयान है, और ये उनके डीएनए में है कि एंटी फार्मर। देखिए, मैं तो सीधे कहता हूँ, पूरा किसान आंदोलन देख लीजिए, और उस वक्त किस प्रकार के बयान आ रहे थे, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी ने आंदोलनजीवी शब्द का प्रयोग किया था। मतलब इस देश में आंदोलनों ने देश की तस्वीर बदली है। खुद भी जब उनको सत्ता हासिल हुई, तो पीछे एक आंदोलन था, हालांकि वो आंदोलन क्या था नहीं था वो हम सब जानते हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं है। मैंने वो चिट्ठी देखी, शायद बीजेपी की पहली चिट्ठी मैं देख रहा था जिसमें किसी के हस्ताक्षर नहीं थे, लेटर हेड तक नहीं था। तो मतलब फिर भी आपने ये किया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपके पास ऐसे लोगों की फौज है जो समाज में जहर बो रहे हैं। जहरीली खेती वालों को ना चिन्हित करिए, ये आपके दल के लिए भी अच्छा नहीं है, उस दृष्टिकोण से सोचिए। सर, कोलकाता में जो घटना हुई, सीबीआई, साथ साथ आंदोलन भी चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सब के अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं। टीएमसी का कहना है कि कुणाल घोष ने एक बार फिर से आरोप लगाया है कि राम और वाम एक साथ हो गए हैं, और ये वेस्ट बंगाल में और टीएमसी के खिलाफ एनआरकी क्रिएट करने की। देखिए, मैं कि इस प्रकार की शब्दावली के पक्ष में नहीं हूं, आक्रोश स्वाभाविक होता है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आक्रोश जीपीएस पे आधारित नहीं होना चाहिए, कि इस ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए आक्रोश होगा और उस ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए आक्रोश नहीं होगा। आक्रोश हो वो सृजनात्मक हो, उसकी तब्दीली बेहतर, वो तब्दील करे बेहतर समाज में,
और जब कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो बावजूद तमाम आलोचनाओं के मैं ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को भी अपनी कथनी और करनी का फासला मिटाना होगा। बिल्कुल एक ऐसा महफूज समाज अगर अपनी बेटियों को देना चाहते हैं जहां उनको इस भय में ना जीना पड़े कि शाम के 6 बज गए अब क्या होगा। मैं समझता हूं भय मुक्त समाज वो प्राथमिकता होनी चाहिए और बाकी इस प्रकार की स्लोगनियरिंग के लिए कोई जगह नहीं है। सर, कास्ट सेंसस को लेकर के अब असदुद्दीन आवाज उठाई, उनका कहना है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 2010 में पी चिदम्बरम ने जो सोशल सर्वे कराया था उसकी रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किया जाना। देखिए, मेरा मानना है कि 2010-11 में जो SECC हुआ था उस पर कई सवाल हमने पार्लियामेंट के अंदर पूछे, तो उसमें ये बताया गया कि डेटा करप्ट हो गया है। अब मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता कि क्या हुआ, कौन करप्ट हुआ, लेकिन ये मांग लगातार उठ रही है। लालू जी के ज़माने से जब वो सदन में थे उन्होंने रखी बात, फिर तेजस्वी जी ने इसको एक मुख्य विमर्श बनाया। और मैं ये कह रहा हूँ बार बार, मार्क माय वर्ड्स, ये एक ऐसा आइडिया है सोशल जस्टिस के प्लैंक में जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, चाहे राहुल जी हों, स्टालिन साहब हों, तेजस्वी जी हों, सब लोग ये कह रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ सरकार के अंदर भी सुगबुगाहट है, उनके अपने जो वंचित समुदायों से आए हुए लोग हैं वो भी चाहते हैं। जब हम सदन में रखते हैं तो वो कहते हैं ठीक किया, लेकिन खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी को ही करना होगा, वो चर्निंग अब इस लेवल पे पहुंच गई है, वो डिनाई नहीं कर पाएंगे। एक सर आखिरी सवाल है, और ये योगी आदित्यनाथ आगरा में एक कार्यक्रम में उन्होंने बांग्लादेश की घटना के हवाले से बात करते हुए कहा कि कोई भी चीज राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती और राष्ट्र तब शक्तिशाली होगा जब सब लोग यूनाइटेड रहे। साथ में उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। नहीं नहीं, मेरा सही बटने को समझना होगा थोड़ा आदित्यनाथ जी को, 1000 साल से बांट के रखा हुआ है साहब। कोई कहीं बैठा हुआ है 1000 साल से, किसी को बैठने की जगह नहीं है, ये बांटना नहीं है क्या? और कोई मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठा व्यक्ति जातिगत गर्व और गुरूर की सिर्फ बात करे तो वो बांटना नहीं है क्या? मैं मानता हूं और मैं कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, दक्षिण एशिया के ये तीनों हिस्से एक थे, भारतवर्ष, इंडिया। एक जगह माइनॉरिटी के साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है उसका दूसरी जगह भी असर पड़ता है, क्योंकि नफरत के फलसफे को सरहद क्रॉस करने के लिए वीजा नहीं चाहिए। एक बार योगी जी इस संदर्भ से भी सोचें, जब बुलडोजर न्याय का प्रतीक बन जाएगा, पर्याय बन जाएगा, तो बांटना क्या, काटना क्या, छांटना क्या।